आज आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन माननीय गवर्नर साहब ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब से मिलकर आई है। हमने एक मेमोरेंडम दिया है और पंजाब में चल रही इलीगल सैंड माइनिंग रैकेट और करोड़ों रुपए का जो सैंड माफिया चल रहा है उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब का और उनके रिश्तेदारों का नाम आ रहा है तो हमने गवर्नर साहब से ये मांग करी है कि वो निर्देश जारी करें और चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। हमारी सीधी मांग है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब पर नजायज रेते की माइनिंग, सैंड की चोरी, सैंड माइनिंग के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पे चन्नी साहब पर एफआईआर दर्ज हो और एक निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चन्नी साहब और उनके रिश्तेदारों की इलीगल सैंड माइनिंग माफिया से, क्या उनके रिश्ते हैं, कैसे वो इलीगल सैंड माइनिंग पूरे पंजाब में कर रहे हैं, इसकी जांच हो। साथ ही साथ हमने गवर्नर साहब को यह भी बताया कि आज से करीब डेढ़ महीना पहले आम आदमी पार्टी ने श्री चमकौर साहब हलके में, चन्नी साहब के अपने हलके में जिंदापुर पिंड में नजायज रेते की चोरी चन्नी साहब आप करवा रहे थे उसका पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने किया था। उसके बाद पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब ने भी इस बात को कबूला कि चन्नी साहब रेते की चोरी करते हैं, सैंड माइनिंग का माफिया चलाते हैं और उन्होंने सोनिया गांधी जी तक को चन्नी साहब के इलीगल सैंड माइनिंग चलाने, रैकेट चलाने के सिलसिले में शिकायत दर्ज करी थी। ये दोनों फैक्ट्स भी आज हमने गवर्नर साहब को बताए हैं और इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो रेड चन्नी साहब के भतीजे भूपिंदर हनी पे हुई उसमें 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 21 लाख रुपए का सोना, 12 लाख रुपए की घड़ी, करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी और गाड़ियों के कागजात जब्त हुए हैं, मिले हैं। इन सब चीजों के बारे में भी हमने गवर्नर साहब को आज बताया है और गवर्नर साहब को कहा है क्योंकि इस सैंड माइनिंग रैकेट में खुद सूबे के मुख्यमंत्री शामिल हैं तो एक निष्पक्ष जांच उसी सूरत में हो सकती है अगर गवर्नर साहब खुद इस पूरी जांच को मॉनिटर करें और एफआईआर दर्ज कराएं। तो हमने जो एक बड़ी मांग आज गवर्नर साहब से करी है वो ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब के खिलाफ पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करे और नजायज रेते की माइनिंग जो पूरे पंजाब में एक रैकेट चल रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो, जिन जिन रिश्तेदारों का चन्नी साहब का इसमें नाम आ रहा है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो और निष्पक्ष जांच हो। ये हमने गवर्नर साहब से आज मांग करी। मांग पत्र देके आए हो या कोई प्रूफ भी देके आए हो? हमने आज एक मेमोरेंडम, एक मांग पत्र सौंपा है और उसमें ईडी से क्या क्या मिला, हमने कौन सी तारीख को रेड करी थी जिंदापुर पिंड में उसमें क्या क्या मिला, वो सारी चीजें लिखित में भी दी है और गवर्नर साहब को बताया भी है। गवर्नर साहब ने हमारे मेमोरेंडम को रख लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो इस पूरी हमारी पिटिशन को, हमारी कंप्लेंट को स्टडी करके जिस बहुत जल्द इस पे फैसला लेकर अप्रोप्रिएट एक्शन इस पर लेंगे, ये गवर्नर साहब ने हमें विश्वास दिलाया।